नमस्कार, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल ड्राई सब्जी, गाजर, मटर, आलू और टमाटर से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बनाएंगे गाजर, टमाटर, आलू, हरी मिर्च, अदरक और मटर से सब्जी। सबसे पहले हम गाजर के टुकड़े करेंगे। इसका ये वाला पोर्शन कट करके निकाल देंगे। अब हम इसको ऐसे पील कर लेंगे। पील करके इसको कट कर लेंगे। कट करके ये बीच वाला जो टाइट पोर्शन है, ये वाला, इसको हम ऐसे करके निकाल देंगे इस तरह से, और इसको ऐसे ऐसे कट कर लेंगे इस तरह से। हमने सारी सब्जियां काट के और धो के ले ली हैं। देखिए, गाजर के इस तरह के पीस करने हैं। सब्जी बनाने के लिए हमने 200 ग्राम गाजर काट के अच्छी तरह से धो के ले ली हैं। 100 ग्राम आलू काट के अच्छी तरह से धो के ले लिए हैं और 150 ग्राम टमाटर, 150 ग्राम मटर, 3 ग्रीन चिली बारीक काट के, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक काट के, इस तरह से लंबा कटा हुआ अदरक, ये गाजर की सब्जी में बहुत टेस्टी लगता है। और हमने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच साबुत जीरा, कुकिंग ऑयल, 2 पिंच हींग, बारीक पिसा हुआ धनिया पाउडर और ये नमक, हरा धनिया बारीक काट के। हमने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई, हमारी कढ़ाई गर्म हो गई। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा चटका लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को हम 1-2 मिनट भून लेंगे अच्छे से। हमारे आलू भून गए, अब हम इसमें गाजर डालेंगे और इसको भी भूनेंगे, थोड़ा सा पानी सुखाएंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, अदरक डालेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे, तेज आंच पे भूनेंगे। अब मटर डालेंगे, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। हमने ताजी मटर ली है, आप फ्रोजन वाली भी ले सकते हैं। अब टमाटर डालेंगे, इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक स्वादानुसार, 2 पिंच हींग। मैं अभी इसलिए डाल रही हूँ कि कई बार तेल में हींग बिल्कुल जल जाती है, उसकी खुशबू नहीं रह जाती है और जो हमें फायदा मिलना है वो भी नहीं मिल पाता है। इसलिए इस समय हींग डालने से हींग पक भी जाती है और खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीजें मिक्स हो गई हैं। देखिए सब्जी का कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें 100 ml पानी डालेंगे और मिक्स कर देंगे इसको। कवर करके इसको सब्जी को पका लेंगे। गैस के फ्लेम को लो और मीडियम रखेंगे। आइए देखें, सब्जी तैयार हो गई है। ये देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। पांच सात मिनट में सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए,
अब ये हम कैसे पता करेंगे कि हमारे आलू आलू गले हैं कि नहीं, तो हम एक फोक लेंगे इस तरह से और इसमें डाल के ऐसे देख लेंगे इसको, गाजर को भी। गाजर तो बहुत जल्दी गल जाती है, ये देखिए मिर्ची गाजर सब सब्जी हमारी गल गई है बिल्कुल। इस तरह से हम चेक कर लेंगे इसको, देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनके तैयार हुई है, कलर कितना अच्छा आया है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सर्व करने से पहले हम इसमें हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ, इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है सब्जी। अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हम इस सब्जी को इस बाउल में निकाल लेंगे। तो आपने देखा कितना इजी है गाजर मटर टमाटर की सब्जी बनाना, 5 मिनट में सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो इस सर्दी में एक बार आप जरूर बनाइए, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। ये बाजरे की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो आप इसे नान के साथ, पराठे के साथ, बाटिया के साथ, मक्की की रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन स्पेशली गाजर मटर टमाटर आलू की सब्जी बाजरे की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय।